दांव पे से नहीं खेलोगे भाई तो एग्जाम आजकल के निकलने वाले नहीं है। आप मोटिवेट होने के लिए मैं कह सकता हूं कि एग्जाम तो बहुत आसान है, आपको बस एक सीट चाहिए मोटिवेट होने के लिए, लेकिन मोटिवेशन बाहर से आता है, अंदर तो आप है ना, आप अपने आप को जानते हैं। मोटिवेशन बाहर से हमेशा आता है, बाहर से जो चीजें आपके अंदर जाएगा वो फट से निकल जाएगा, कब निकल जाएगा कोई भरोसा नहीं है। अगर मोटिवेशन आप ढूंढते हैं इसका मतलब यह है कि आप काम करना नहीं चाहते। मोटिवेशन आप ढूंढते हैं इसका मतलब काम करना आप नहीं चाहते, सही बात तो यही है। समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं अमरजीत? तो टाइमिंग देखिएगा, टाइमिंग देखिए, बेहतरीन लाइन आपको सुना रहा हूं इसलिए मैं टाइमिंग देखने के लिए बोल रहा हूं। आप मोटिवेशन, ठीक है, आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं इसका मतलब क्या है जरा आप मुझे बताइएगा। इसका मतलब कि आप काम करना नहीं चाहते, सही बात तो यही है। किस लिए मोटिवेशन यार, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। आपको तो सिर्फ काम चाहिए, अगर काम, अगर आप काम से प्यार करने वाले होंगे तो सिर्फ आपको काम चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर एक मैं दे देता हूं, समझ रहे हैं कि नहीं, उदाहरण मैं आपको देता हूं, बहुत प्यारी लाइन है और आप जरा ध्यान से सुनिएगा, सवाल मैं करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। बात यह है कि दुनिया में सब लोग प्यार ढूंढते हैं, ढूंढ रहे हैं, सबको चाहिए, मुझे भी प्यार चाहिए, आपको भी प्यार चाहिए, सब लोग चाह रहे हैं किसी और से। और किसी चीज को चाहने का मतलब क्या है आप मुझे बताओ? किसी चीज को चाहने का मतलब यह है कि आपके पास नहीं है तभी आप चाह रहे हैं उसको। कोई चीज आपके पास नहीं है तभी तो उसको चाहते हैं कि मेरे पास हो जाए। अब मैं कह रहा हूं कि दुनिया के सब लोग यही चाह रहे हैं कि हमको प्यार मिले, हमको प्यार मिले, सब लोग ढूंढ रहे हैं, यानी सबके पास नहीं है, किसी के पास प्यार नहीं है। जब प्यार है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? और आप बोलते हैं कि धोखा हो गया। अरे यार धोखा होगा ही होगा, समझ रहे हैं? तो इस बात को अगर आप फॉल इन लव में होंगे, इस बात को तय कर लीजिए, मेरे इस लाइन को याद कर लीजिएगा कि सब लोग ढूंढ रहे हैं प्यार और किसी के पास नहीं है, इसका मतलब और किसी के पास नहीं है तो मिलेगा कहां से? धोखा ही मिलेगा। और प्यार के नाम पर जो व्यापार चल रहा है ना वही चल रहा है आजकल। मैं ये बस कहना चाह रहा था यहां पे कि मोटिवेशन के लिए मैं बोल सकता हूं कि आपको, अरे यार 8,000-10,000 सीट है, आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए। अरे यार बकवास है, हिसाब बकवास है, हमसे सुनिए ना। मैं कह रहा हूं एक सीट नहीं चाहिए, जहां ज्यादा सीट होगा वहीं भरना है। जब एक सीट है तो कहे नहीं वहां भर दे तो जाए वो सीट है। जो कह रहा है आपसे इस मोटिवेशन को दे रहा है उसको भरवाइए, जाए वो सीट है वहां पे, खुद जहां सबसे ज्यादा सीट होगा वहीं पे भरा होगा। सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन लोग रियल बात बोलते कहां है? रियल बात बोलेंगे तो फिर जय हिंद जय भारत हो जाएगा। कारण है कि दुनिया झूठ पे चलती है। सच बोल दोगे तो फिर आप एक भी रिश्ते बच नहीं जाएंगे। 24 घंटा एक बार सच बोल के देखिएगा, एक भी रिश्ता आपके साथ बचेगा नहीं। अब बोलते हैं ना कि अरे यार सर आपने शर्ट बहुत बढ़िया पहना है, नया है, बड़ा अच्छा लग रहा है, जस्ट एक ही दो कदम ही बढ़े होंगे, करे बकवास लग रहा है, मैं तो ऐसे ही बोल दिया, उसका मन रख दिया। ऐसे होता है यार, जिंदगी यही है, यही रियल चीज है। और बाकी तो आप झूठ तो जानते ही हैं कि झूठ पे दुनिया चलती है। प्रणाम नमस्ते सब आदमी करता है, गाली देते हैं लोग। प्रणाम नमस्ते तो एक औपचारिकता ही में करते हैं कि अरे बड़े हैं तो प्रणाम कर लेते हैं, गाली देते हैं जैसे आगे बढ़ गया आदमी, बोलता है बिना मतलब इसको ऐसे ही प्रणाम कर लेता हूँ, कोई विशेष मतलब। प्रणाम तो उनको करना है, आप ये समझिए कि सबके अंदर ईश्वर बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं, उस परमात्मा को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, ना कि उस व्यक्ति को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अगर ये इस टाइप की भावनाएं होंगी तो कोई आप मतलब किसी से मतलब नहीं। आप प्रणाम उस व्यक्ति को मत करिए, प्रणाम उस व्यक्ति के छिपे हुए बैठे हुए परमात्मा को आप प्रणाम करिए, तब आपका एकदम सफल है। अन्यथा जानते ही एक पुरुष की कभी तारीफ कर ही नहीं सकता है, चाहे कुछ हो जाए। समझ जाइए, पुरुष केवल स्त्री की तारीफ कर सकता है, स्त्री केवल पुरुष की तारीफ कर सकती है। कोई भी पुरुष किसी एक पुरुष का, एक ही पद के लिए, एक ही पद प्रतिष्ठा के लिए अगर आप बने हैं, किसी एक ही एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पक्का द्वेष होगा, ये ह्यूमन नेचर है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आइएगा मैं सवाल करा दूं, नहीं तो लंबा चौड़ा उधर निकाल देंगे तो मुंह में से बहुत लंबा चौड़ा निकल जाएगा।